ये आपके पाकिस्तान में है शहाबुद्दीन, और दलेर आदमी है। वो कहते मैं तो सोया हुआ था अफगानिस्तान में, मेरी तो ख्वाब में एक दरवेश आए, कहने लगे आके हिंदुस्तान पे हमला कर, मैंने माहौल बना दिया है, रब तुझे कामयाबी देगा। शहाबुद्दीन कहते मैंने ख्वाब देखी, मैं सो गया। अगले दिन वो फिर आए, कहने लगे यार तुझे कहा था हमला कर, अल्लाह तुझे फतह देगा। कहते मैंने कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, सो गया। तीसरे दिन आए तो मुझे झंझोड़ा, कहने लगे तेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने कहा हमला कर, अल्लाह फतह देगा, आता क्यों नहीं। कहते मैं फौज लेके हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ, जब मैंने यहाँ लड़ाई शुरू की तो मैंने एक शख्स को देखा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत इमामा बांधा है और मेरी फौज के आगे आगे वो लड़ रहे हैं, खुद बनफ्से नफीस जंग में शामिल हैं, बड़े लोग कत्ल किए, बड़े लोगों को उन्होंने मारा, बड़े हिंदू मरहटे मारे। जब मैं चेहरा देखने के लिए आगे होता तो वो घोड़ी को एड़ी लगाते और आगे निकल जाते। कहते हैं वो मैं पहचान न सका, जंग खत्म हो गई, अल्लाह ने मुझे फतह दी, मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी दी। फरमाते हैं कि फिर अचानक मेरी नजर पड़ी तो वही बुजुर्ग स्याह दाढ़ी, वो जोहर का वक्त हो गया तो मस्जिद के मीनारे पे खड़े होके अजान दे रहे थे, चेहरा मैं फिर ना देख सका, मुंह काबे की जानिब था। कहते मैंने झटपट को में से वजू किया, मस्जिद में गया तो जमात भी वही करा रहे थे, पर मैं पहचान न सका चूंकि चेहरा आगे था, मुसल्ले पे खड़े थे, पीछे सफे बन चुकी थी। फरमाने लगे कि जब नमाज की तकमील हो गई और उन्होंने नमाजियों की जानिब मुंह किया तो मैंने उनका चेहरा देखा, तो ये तो वही बुजुर्ग है जो मुझे ख्वाब में मिले थे और जिन्होंने कहा था हमला कर, रब तुझे फतह देगा। फरमाते मैं करीब गया और मैंने जाके कब हुजूर पहले ख्वाब में आए, फिर हमारे साथ मिलके लड़े और सबसे ज्यादा लड़े, फिर अजानें भी पड़ी, फिर जमातें भी कराई, तो मेहरबानी करे नाम ही बता दे। फरमाने लगे कोई इतना बड़ा नाम नहीं, फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहा जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की कब्र ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनवाई है, किसी गद्दी नशीन ने नहीं बनवाई कि गला लगाऊंगा। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं जब हुकूमतें मुझे तोड़ देती थी, मेरा हौसला टूटता था, मैं मिसाइल बना रहा था एटमी कुव्वत, तो एक सफ़ा पढ़ता था शहाबुद्दीन गौरी के हालात पे और मैं ताज़ा हो जाता था। उसने तो मिसाइल का नाम भी गौरी रख दिया है, ये शहाबुद्दीन के नाम पर रखा है। ये कब्र है सुहावे में, जाके पूछें वहाँ सोए हुए हैं शहाबुद्दीन, उनकी कब्र पे भी लिखा है मंजूर नजर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। आप क्या बात करते हैं कि सूफिया ने जहाज नहीं किया, कहाँ रहते हैं आप? आप आए हम आपको आईना दिखाएं, पर उनको आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए, उनको आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। ओ खुदा के बंदो, ये सारे दरवेशों के मानने वाले परवरदा दरवेशों के, इन्होंने सीखा था और किसी ने पूछा था हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार से कि आपने ये तरीकत ये तसव्वुफ ये जहाद कहाँ से सीखा? कहने लगे रसूलुल्लाह के सहाबा से। देख लें सहाबा मैदान जहाद में भी सूफी होते थे, अल्लाह वाले होते थे, दरवेश होते थे, और सबसे बड़े दरवेश ही नबी पाक के सहाबा हैं।